नमस्कार, मैं हूं धनश्री। के आर न्यूज में आपका स्वागत। बढ़ते हैं खबरों की ओर। एसपी कार्यालय शाहपुरा से पहुंचे पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया है कि गांव में रहने वाले उसी के समाज के युवक युवती बिना घर में बताए प्रेम प्रसंग के चलते घर से कहीं चले गए थे। वह युवक युवती जब घर वापस लौटे तो दोनों परिवारों के लोग बीच आपसी समझौते से सुलह हो गई, लेकिन समाज के कुछ ठेकेदारों के द्वारा जबरन सामाजिक पंचायत बुलाकर दोनों परिवारों को समाज से बहिष्कृत करने की बात की गई। जब पीड़ित अवधेश ने इस चीज का विरोध किया तो गांव के ठेकेदार द्वारा उस पर इस बात को लेकर तलवारों से हमला कर दिया और गंभीर रूप से घायल कर दिया। बावजूद इसके पुलिस द्वारा शिकायत पर मामूली धारा आरोपियों पर लगाई गई है। वही पीड़ित ने एसपी से सख्त कार्यवाही की मांग करते हुए आरोपियों पर धारा बढ़ाने की मांग की है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये थाना शहपुरा अंतर्गत एक पर्सन तब्जी बदली हुआ था, जिसमें कि यहाँ पे एडीपीओ साहब द्वारा कुछ क्वेरी लगाई गई थी, जिस संबंध में उसका जो एसएसएल ड्राफ्ट है वो बना के क्वेरी हेतु निराकरण हेतु फॉरेंसिक लैब सागर भेजा गया। प्रसन्न में जैसे ही फॉरेंसिक लैब से हमें जागरूकता आती है उसमें प्रसन्न में जिसमें संचित धाराओं का समावेश किया जाएगा और उसका माननीय न्यायालय समस्त करा दिया जाएगा। तीन महीना पहले की घटना है, ग्राम बेलपठार थाना सहपुरा गांव के एक लड़का लड़की कहीं चले गए थे तो उसकी सामाजिक पंचायत लड़की के घर वालों ने लगवाई। लड़की को सामाजिक बहिष्कार कर रहे थे, हमें बुलाया गया था, हमने उसने में बोला कि भाई ऐसा नहीं होता, पर लड़की लड़की की गलती है, सामाजिक बहिष्कार किसी का ना करें, गाँव के लोग हैं, सब परिवार के हैं। भाई परिवार में जब राजीनामा सुलह हो चुका दोनों को, लड़का लड़की परिवार का, अभी पंचायत के से बात की, लड़की का बदनाम होगा, क्यों करवा रहे आप लोग ऐसा। तो लड़की के बड़े पिता अनंतपाल सिंह ने पहले तो हमको मारा, उसके बाद निरंजन बाबा आए, उन्होंने तलवार लेके आए, अमोल सिंह ने तलवार थोड़ा के हमारे पेट में मारी और आज इसमें धारा नहीं बढ़ाई जा रही। हम आज एस पी ऑफिस आए हैं और एडिशनल एस पी सुरेंद्र सिंह जी ने आश्वासन दिया है कि उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं और उचित कार्रवाई करेंगे। धारा बात आपका नाम अरविंद पाल सिंह। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।